आप लोग चारों लोग थे, आपने उस बच्चे को अबडक्ट किया, फिर उसका ये स्विफ्ट कार से वहां पर पहुंचे धनवंती नगर में। वहां पर जो डिसीज बच्चा है सर 13 साल का, उसको अपनी गाड़ी में लिया और फिर उसके बाद से वो उसको लेके चले गए। और बाद में ये आया कि उन्होंने पैसा लेके, पैसा लेने के बाद भी उसको मार के वहां नहर में फेंक दिया। सर ये सेकंड बेल है सर, फर्स्ट बेल एप्लीकेशन विड्रॉ हुई थी सर। इसमें अगर प्रोसिक्यूशन केस को देखें सर, तो प्रोसिक्यूशन का केस ये है सर कि 15/10/2020 को शाम लगभग 6 बजे करीब को एक्यूज करण, प्रेजेंट एप्लीकेंट और एक एक्यूज और है सर, ये एक स्विफ्ट कार से वहां पर पहुंचे धनवंती नगर में। वहां पर जो डिसीज बच्चा है सर 13 साल का, उसको अपनी गाड़ी में लिया और फिर उसके बाद से वो उसको लेके चले गए। और बाद में ये आया कि उन्होंने पैसा लेके, पैसा लेने के बाद भी उसको मार के वहां नहर में फेंक दिया। मेरा निवेदन ये है सर कि इनिशियली अगर देखें तो इनिशियली जिस नंबर से फोन कॉल किया गया था वो नंबर, उस नंबर की अगर देखें सर, वो नंबर जो है वो प्रेजेंट एप्लीकेंट को बिलोंग नहीं करता है। वो नंबर किसकी थी? हाँ सर, गाड़ी भी, गाड़ी गाड़ी एक दूसरे उसकी थी सर, शुभम शर्मा की। जी सर, गाड़ी शुभम शर्मा की थी जिसको आप लेकर गए थे। जी जी, फिर आप लोग चारों लोग थे, आपने उस बच्चे को अबडक्ट किया, फिर उसका जी जी फिर? मेरा इसमें निवेदन है सर, इनिशियली जो हमारा जो जिस नंबर से ये कहना है कि हमारा हमने फोन कॉल किया था और हम ही ने हमेशा बात करी है ये डिसीज के पेरेंट्स वगैरह से। 3 मार्च 2022 को 15 विटनेस होगा, टोटल कितने विटनेस हैं इस केस में सर? 65 सर। अभी तक तो कितने हो गए आज की तारीख सर? अभी मैं कंफर्म तो नहीं हूँ सर, 17 या 18 हो गए। कह रहे 15 तो मार्च में ही हो गए थे। हाँ सर, अभी क्योंकि मेरे पास सिर्फ मैंने जो अभी कुछ ट्रायल एक्सपीडाइट करने के लिए बोल देते हैं, इससे ज्यादा कुछ है नहीं। 17 का तो ये लगा हुआ है 9/7/2022 का। जी सर, 9/7/2022 के बाद में 4 महीने हो गए सर। इसमें उस समय जब इनिशियली जब फर्स्ट बेल एप्लीकेशन डिसाइड हो रही थी सर, तब उसमें जो ये भी 65 पूरे एग्जामिन नहीं कराएंगे सर, बॉडी ही रिकवर हुई है इनकी। मेमोरी मालूम है मुझे, ये पूरा याद आ गया, इसीलिए तो मैंने पूछा। वो मारुति कार थी सफेद रंग की सर, शिफ्ट गियर में। फिर अल्टो कार में लेके गए, फिर उसको गला काटने वाले। वॉइस रिकॉर्डिंग में भी रिपोर्ट आई है। वॉइस रिकॉर्डिंग में सर अगर देखेंगे, सिर्फ हमारा सैंपल लिया गया है सर, और पुलिस के पास इनिशियली ये कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी। ये कहते हैं कि मुखबिर से इन्फॉर्मेशन मिली कि ट्रायल में बहस करिएगा, एक्सपेडाइट करने के लिए बोल देता हूँ। ठीक है विवेक जी, आफ्टर आर्ग्यूइंग एट लेंथ आई एम अनेबल टू कन्विंस दिस कोर्ट प्रेस फॉर विथड्रॉल ऑफ द एप्लीकेशन फुल स्टॉप एट दिस स्टेज। श्री विवेक अग्रवाल सबमिट्स दैट trial court be directed to expedite the trial looking to the fact that applicant is in custody since 18/10/2020 stop. Taking these facts into consideration, trial court is directed to expedite the trial and complete it within period of 6 months from the date of karte kya sessions trial kis tarike se chalte hain yahan par do do saal pe agar session trial nahi ho pa rahe गवाह की आना चाहिए तो गवाह लाने की जिम्मेदारी किसकी है? कोर्ट की।